नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं इजिप्ट के पिरामिड के बारे में। साथियों, जो लोग पिरामिड बनाए थे उनको पृथ्वी का एक्यूरेट साइज मालूम था। ये जो पिरामिड है वह 4500 साल पुराना है। जितना इस पर रिसर्च होता है उतना ही उलझते जाते हैं। जितना आप इसे जानने में दिलचस्प रखेंगे उतना ही आप इसमें उलझते जाएंगे। आखिर में पिरामिड कैसे बनाए गए थे और इसका मकसद क्या था? जब इसकी जांच हुई तो पता चला कि एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था फेरोस के टूम्स हुआ करते थे। उस समय पर राजा को दफनाया जाता था और ऐसा माना जाता था कि वह कुछ सालों बाद फिर से वह जीवित हो जाएंगे और उसको मम्मी बना दिया जाता था। यह जो पिरामिड का पत्थर है वह एक हाथी के वजन के बराबर है। यह भी एक रहस्य है कि उस पत्थर को कैसे उठाकर ऊंचाई पर रखा गया और उसे उतना ऊंचा कैसे बनाया गया। इस पिरामिड के टॉप पर एक प्लेट चढ़ाकर रखा है और आज के समय कुछ ऐसा पिरामिड दिखता है और यह एक ऐसा अजूबा है जो बचा है। बाकी सब भूकंप से, तो कुछ युद्ध हुआ उससे और कुछ सुनामी के कारण विनाश हो गए। यह जो पिरामिड है वह दुनिया का सबसे ऊंचा पिरामिड हुआ करता था, लेकिन अब नहीं रहा क्योंकि इससे भी ऊंचा एफिल टावर हो गया, बुर्ज खलीफा हो गया, अब वह बन चुका है। आपने निकोलस टेस्ला का नाम सुना ही होगा जिन्होंने यह कहा था कि इस पिरामिड से बिजली उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन जो उनके साथी थे वह इस बात से इनकार कर दिए, लेकिन आज के समय वह सत्य हो गया। लेकिन आज के समय यह बताया जा रहा है कि जो पिरामिड के जो रहस्य था वह सोल्यूशन हो चुका है, मिस्ट्री था वह साफ साफ हो चुका है कि अब मिस्ट्री नहीं बचा है, लेकिन अभी भी बचा है। यह जो पिरामिड के आकार है वह विचित्र है। इसको देखकर लोगों का यह कहना है कि यह बनाया गया होगा तो कैसे। इसको बनाया गया था ग्रेनाइट और लाइम स्टोन से, जो कि एक पत्थर होता है। और यह जो पिरामिड से इसको 900 किलोमीटर दूर से ग्रेनाइट की खदान मिलती है। पिरामिड से 900 किलोमीटर दूर इसका खदान है, वो भी ग्रेनाइट का और लाइम स्टोन का। कैसे यह 900 किलोमीटर दूर से ग्रेनाइट को लेकर पिरामिड के पास लाया गया होगा और इसको बनाया गया होगा? तो उस पिरामिड के करीब से एक नील नदी गुजरती है, जो दुनिया का सबसे लंबी नदी है नील नदी। उसी के रास्ते से इस पत्थर को लाया गया है। यह भी एक मिस्ट्री है, अभी तक यह क्लियर नहीं हो पाया है कि यह सच है या झूठ है। एक रहस्य यह भी है कि जो लोग पिरामिड को बनाते थे वह गरीब थे, गरीब घर से आते थे, मजदूर थे, लेकिन नहीं, वह गरीब नहीं थे, वह खाते पीते घर के थे। उनको अच्छा पौष्टिक आहार दिया जाता था, तभी तो वह इतना वजन के पत्थर को उठाकर ऊंचे से ऊंचे इमारत को बनाए थे उस समय पिरामिड को। पिरामिड अभी भी एक मिस्ट्री है। मेसोपोटामिया के लोगों ने सबसे पहले यह संरचना बनाई थी। तब प्राचीन समय में इन्हें चमकीले रंग या सोने का रंग भी कहा जाता था। सबसे प्रसिद्ध पिरामिड है वह मिस्र में स्थित है। ईंटों या पत्थरों से बनी विशाल संरचना है पिरामिड का। गीजा का महान पिरामिड मिस्र में सबसे बड़ा है और दुनिया का सबसे बड़े पिरामिड में एक है। इसकी ऊंचाई 146.6 मीटर यानी करीब 481 फीट के करीब है। ग्रेट पिरामिड प्राचीन दुनिया के 7 अजूबे में से एकमात्र पिरामिड ही है। पिरामिड आमतौर पर मिस्र से जुड़े होते हैं। सूडान में 220 पिरामिड मौजूद है। जो दुनिया में सबसे ज़्यादा पिरामिड कहाँ पे है तो है सूडान में। पिरामिड के अंदर 3 ज्ञात कक्ष मिलते हैं। सबसे निचले हिस्से को आधारशिला में काटा गया था जिस पर पिरामिड बनाया गया था, लेकिन अधूरा रह गया। पिरामिडों को फिरौन की कब्र को रखने के लिए स्मारकों के रूप में बनाया गया था। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।